सो गाइज वेलकम बैक इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आप लोगों ने वीडियो सीरीज का सेकंड और फर्स्ट पार्ट देखा है, अब जस्ट हम उसके आगे जाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने गूगल प्ले स्टोर ऐप डाउनलोड नहीं करा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ने की बात करने जा रहे हैं कि इतना सारा कांड हुआ, मेन कांड तो हमें पता था कि कांड इन द सेंस मेन रीजन या कॉज हमें पता था कि अगर क्या कहते हैं आपका पूरी तरीके से जो रूमर्स फैला था मेन सुअर की चर्बी का लेप और गाय की हड्डियों का जो पाउडर बना के खाने में मिलाया जा रहा था, ये हिंदू और मुस्लिम्स के लिए दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक रिलीजियस कॉज बन रहा था, जिसकी वजह से ये सारे सीन हमें देखने को मिले थे। हमने सारे कॉजेस को एक एक करके एनालाइज करने की कोशिश करी, लेकिन मेन बात यह है कि जो रूमर्स था या जो अफवाहें थी या जो भविष्यवाणी थी, असल में लोगों ने उस पर बिलीव क्यों कर लिया? क्योंकि हमें तो अच्छी तरीके से ये पता था कि सिर्फ यही रूमर फैला था, एक अफवाह फैली थी कि कारतूस जो है वो ऑफकोर्स गाय या सुअर की चर्बी से बने हुए लेप से बना हुआ है, जिससे जो अंग्रेजी गवर्नमेंट थी ना वो धीरे धीरे उनके धर्मों को और उनकी जातियों को प्रदूषित यानी कि पॉल्यूटेड करना चाहती है ना। मतलब मेन अंग्रेजों का मेन मकसद यही था, जैसा कि रूमर्स में बताया जाता है। तो ये कहा जाता है कि उस समय के जो गवर्नर थे, हैंडलिंग करके इनका नाम था, इन्होंने जब नए कारतूसों को बनाने की शुरुआत कर रहे थे तो जानबूझ के उन्होंने ही ऐसी इनफील्ड राइफल्स का इस्तेमाल करा और उसमें इन लेपों का इस्तेमाल करा जाता था। लेकिन असल में मैं आपको बता दूं कि शुरुआती समय में से आज के टाइम में तो बुलेट होती है। अब बुलेट होती तो आपने रिवॉल्वर में बुलेट डाली और आपने शूट कर दिया, लेकिन पुराने जमाने में बुलेट नहीं होती थी, पुराने जमाने में गन पाउडर होता था। अब गन पाउडर को अगर हम लोग क्या कहते हैं एक नॉर्मल सा पन्नी के अंदर डाल के भी रखते हैं ना, जैसे आजकल दिवाली के अंदर लोगों ने गन पटास जो है वो फोड़ा, उसमें उन्होंने पाउडर डाला और फिर फट करके मार दिया और फिर एक बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है, एक धमाका होता है। उस टाइम पीरियड में भी लगभग कुछ ऐसा ही सिस्टम था, लेकिन आपने ये भी न्यूज़ सुना होगा कि ऐसे गन पाउडर को अगर आप कहीं पर रख देते हो तो वो अपने आप गर्मी की वजह से फट भी जाता है, तो बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिले कि ब्लास्ट भी हो गया। अब ऐसे में किसी सिपाहियों को गन पाउडर एक एक करके कोई बांटने तो बैठेगा नहीं, सो दैट इज वाई उसको क्या करा गया, उसको एक तरीके से आप ये कह सकते कार्ट्रेज बनाया गया। कार्ट्रेज में यहाँ पे बुलेट थी, यहाँ पे पाउडर था, यहाँ पे पेपर केस था और फिर इसको दांत से काटना पड़ता था, और ये एक तरीके का ना उस टाइम पीरियड पे ये सारी की सारी चीज़ें उस टाइम पीरियड पे हर किसी सिपाही को दी जाती थी। काटने के बाद इसको डाला जाता था पाउडर पे एंड देन उसके बाद इसको इसमें अंदर डालने के बाद देन शूट कर दिया जाता। अब सोचो कि अगर ये चीज़ ना बनाई जाती, अगर ये चीज़ ना बनाई जाती और यहाँ पे लेप ना लगाया जाता उस टाइम पीरियड पे, तो शायद से बड़ी क्रांति नहीं होती। लेकिन अब हर एक बंदे को पाउडर बांटना थोड़ा जाएगा, इसीलिए उसे छोटे छोटे पैकेज के रूप में, जैसे आपने देखा होगा कि चाय पत्ती कोई अगर पीता है, ग्रीन टी पीता है, तो नॉर्मल सा पैकेट होता है, फाड़ता है और आराम से वो उसे डाल लेता है ना। अब हर एक कंपनी ने सोचा कि यार ये बहुत ईजी है, तरीका ईजी है, बस इसको चिपकाने के लिए उस टाइम पीरियड पर लोगों ने अफवाह फैलाई कि उस टाइम पीरियड में इसको चिपकाने के लिए उस समय लेप का इस्तेमाल कराया जाता होगा, क्योंकि वो कुछ ऐसा होता है कि जब वो बन जाता सूख जाता है तो लंबे समय तक रुक सकता है। तो ये चीज़ इन्होंने इस्तेमाल करी भाई साहब ने, और इसी वजह से ये रूमर जो था उस समय पे एक रिलीजियस कॉज बना, जिससे इंडियंस जो हैं उस टाइम पीरियड पे लोग ये कहने लगे कि बोन्स जो था यानी कि अंग्रेजों द्वारा गाय और सुअर की अस्थियों के आटे को मिलाकर भारतीयों के धर्म को नष्ट करने की कोशिश के बारे में लोगों ने ये सारी चीज़ों को छूने से परहेज कर दिया और ऐसा लोगों को लगने लग गया। असल में ये जो बैटल था, जो क्या कहते हैं कहा गया कि प्लासी के युद्ध के बाद 100 साल के बाद 23 जून 1857 के अंदर अब एक पूरा 100 साल हो गया है और अब अंग्रेजों की ख़त्म होने की डेट आ चुकी है, एक्सपायरी डेट आ चुकी है, तो लोगों को ऐसा लगा कि हाँ शायद से भविष्यवाणी भी हो सकती है और जानबूझ के इस रूमर को फैलाया गया ताकि लोगों के अंदर ये बिलीफ सिस्टम भी बनाया जा सके कि अब अंग्रेजों का शासन जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन असल में लोगों ने इन सारी चीज़ों पे विश्वास क्यों किया कि भाई उस टाइम पीरियड पे सुअर की चर्बी का लेप था और उस टाइम पीरियड पे अंग्रेजी के शासन के 100 साल होने वाले हैं, इसलिए सभी को मिलकर अब क्रांति करनी पड़ेगी और अंग्रेजों को निकाल देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं था कि 1857 से ही इसकी शुरुआत हुई। अगर हम ब्रिटेन की पॉलिसीज को देखें पीछे से 1820 से 1820 से देखें, तो अंग्रेजों ने खुद हमारे धर्मों को बदलने की शुरुआत कर रखी थी और इसीलिए लोगों को इस चीज़ के ऊपर बिलीव हो गया कि हाँ सच में अंग्रेजी सरकार जो है वो ऐसा चाहती होगी। जैसे 1820 के अंदर से ही उन्होंने इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना चालू कर दिया और हमारे कल्चर के अंदर इन्वॉल्वमेंट उन्होंने करना चालू कर दिया। एग्जांपल के लिए उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन दिया,
क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में बुराई थी? नहीं, हमारे उस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों को गुरुकुल के अंदर विद्या दी जाती थी, विद्या शिक्षा सब कुछ दिया जाता था, और अभी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। और इंडिया के अंदर अभी वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस है। उसके बाद उस टाइम पीरियड पे इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉलेजेस, ये सारी चीज़ें, साइंस, लाइब्रेरी, आर्ट, इसकी शुरुआत करी गई, जो नहीं करनी चाहिए थी, जबकि हमारी वर्नेकुलर लैंग्वेज में भी ये लोग पढ़ा सकते थे। उसके बाद 1829 के अंदर सती प्रथा, राजा राममोहन राय के द्वारा इसे अबॉलिश करा गया। लोगों को लगता है कि यार सती प्रथा तो हमारे धर्म का एक केंद्र माना जाता है, हालांकि मुझे लगता है कि समाज में काफ़ी अच्छा भी था उस टाइम पीरियड पर अगर हुआ, लेकिन उस टाइम के रह रहे लोगों के द्वारा, जैसे आज की डेट में लव मैरिज करना एक कॉमन बात हो चुकी है सोसाइटी में, लोग कहते हैं कि मनपसंद से ही शादी होनी चाहिए। पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे कि 13-12 साल की उम्र में शादियां करवा देते थे, इन फ्यूचर उनकी सोच कैसी है, मतलब ये उस समय बहुत अजीब सा होता था लव मैरिज करना। तो उस समय सोचो सती प्रथा जैसी चीज़ें भी बहुत हो सकती है कि गलत ही होगी, इसीलिए लोगों ने इस चीज़ को देखा कि अंग्रेजी सरकार जो है वो उनके कल्चर को ख़त्म कर रही है, इसीलिए लोगों ने रूमर्स पर, भविष्यवाणी पर फोकस करा। उसके बाद हिंदू रिमैरिज एक्ट, विडो, ये इन्होंने लेके आए कि विधवा को शादी करना ज़रूरी है, लेकिन समाज में उस समय विधवा को एक अलग निगाहों से देखा जाता था। उसके बाद इन्होंने कहा कि मिस गवर्नमेंट, जिस तरीके से वो रेशियल क्या कहते हैं एरोगेंस कर रहे थे, गोरे काले के लिए भेदभाव कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि भैया आपको जो है संतान भी अडॉप्ट करने की परमिशन नहीं है, गोद लेना उस समय बहुत बड़ा क्या कहते हैं एक एक तरीके का रिचुअल भी माना जाता था कि आप कर सकते हो ऐसा, लेकिन अंग्रेजों ने चीज़ ख़त्म करी। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जो अंग्रेजी गवर्नमेंट 1920 से ऐसा कुछ कर रही थी, तो इसीलिए लोगों ने इस चीज़ पे विश्वास करना चालू कर दिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ कि इन लोगों ने किस तरीके से एक जो मिस गवर्नमेंट होती है ना उसकी शुरुआत करी, उसका एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में एक दे रखा है, मैं एक से बताता हूँ और ऐसे ही आप सभी के साथ मान के चलिएगा, सभी के साथ नहीं पर मोस्ट ऑफ केसेस में सभी के साथ मान के चलिएगा। जैसे कि ब्रिटिश को तो इन लोगों ने एनेक्स करा, ब्रिटिश को हमला करके तोड़ के उसे खत्म कर दिया, लेकिन अवध जो था ना अवध उसको ऐसे ही करा। लेकिन अगर आप देखो तो बहुत सारे जैसे झांसी, सतारा, उदयपुर, ऐसी जगहों को इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू अडॉप्ट करा, जो बिल्कुल गलत था, जो नहीं करना चाहिए था। जैसे कि अगर आप देखें इंडिया के अंदर कि उन्होंने क्या कहते हैं अवध को कैप्चर करा, सभी को पता था अवध को किस तरीके से कैप्चर करा, मैं अवध आपको दिखा देता हूँ। अवध इस मैप में तो नहीं दिखा रखा, लेकिन कानपुर के आसपास ही आपको अवध देखने को मिलेगा। ओके, तो इन्होंने अवध को कैसे कैप्चर करा वो देखने की कोशिश करते हैं। अवध एक अच्छा खासा राजा के द्वारा, वाजिद अली शाह के द्वारा ये चलाया जा रहा था, लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर कवर होती है, इसका एरिया लगभग 68,000 किलोमीटर का है, लगभग हिंदू, अरबी और अवधी भाषा यहाँ पे बोली जाती है। अवध आज भी भारत के अंदर कानपुर में अवधी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा चलती है। वाजिद अली शाह ये वही व्यक्ति हैं जो उस समय उनकी बेगम हजरत महल जो करके उनकी वाइफ है और ब्रजेश कादर उनके लड़के हैं, वो रिवॉल्ट में आए थे साथ में। अब दोस्तों इनके साथ क्या होता है, 1801 में सबसे पहले इनके साथ सब्सिडी अलायंस यानी कि सहायक संधि लॉर्ड वेजले ने से इंट्रोड्यूस करी थी और ये सबसे पहले लागू करी गई। इसके बारे में मैंने वीडियो की पहले पार्ट में भी समझाया था, दूसरे पार्ट में भी समझाया था। एक और बात शॉर्टकट बता देता हूँ, बस नॉर्मल सा, इसमें जो बेसिक बातें लिखी हुई है, अगर कोई भी जिसके भी साथ अंग्रेजी सरकारी सब्सिडी अलायंस कर रही है, सहायक संधि कर रही है, अगर वो ऐसा फॉलो नहीं करता है, इस संधि को फॉलो नहीं करता है, तो उसी की टेरिटरी जो है ना वो अंग्रेजी सरकार के अंडर में आ जाएगी। तो कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई गई थी। अब आपको लग रहा होगा कि यार वाजिद अली शाह को इस अलायंस की जरूरत क्यों पड़ी, उसके पीछे बस इतना सा रीज़न है कि वो चाहते हैं कि उनकी सिक्योरिटी बनी रहे, बस और कुछ नहीं। अब बेसिक तो आपको और डिटेल में पढ़ोगे तो पता चलेगा। अब सबसे पहले उन्होंने क्या करा कि उन्होंने लॉ मतलब एक तरीके से सब्सिडी अलायंस कर दिया, लेकिन असल में ब्रिटिशर्स जो थे ना वो अवध को कैप्चर करना ही चाहते थे। कारण क्या था, वहाँ की मिट्टी इंडिगो को उगाने के लिए और कॉटन को उगाने के लिए बहुत अच्छी थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी को कॉटन और इंडिगो से बहुत पैसा मिल सकता था यूरोप की मार्केट के अंदर से। सो दैट इज़ वाई उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि भैया आप जो हैं वो अवध नहीं चला सकते हैं। कारण बहुत सारे दिए, नंबर वन कारण दिया गया कि आप अपने शासन के अंदर पूरी तरीके से माल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, कुप्रशासन चलाते हैं, जो हमारी कंपनी की पॉलिसीज नहीं है, आप इस तरीके से शासन को नहीं चला सकते। दूसरा अनपॉपुलर रूलर, कहा गया कि भैया आपके जितना भी शासन है उस शासन के अंदर आपको कोई चाहता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है, तो आपको राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है। दैट इज़ वाई नवाब वाजिद अली शाह को
वहां से निकाल दिया गया और कलकत्ता ट्रांसफर कर दिया गया। और ये किसने करा? सबसे पहले डलहौजी ने करा। डलहौजी ने इस चीज की शुरुआत करी और उसके बाद नवाब वाजिद अली शाह बेचारे, उनके साथ इतने सारे लोग अवध में, जो सभी को पता था राजा बहुत अच्छे हैं लेकिन अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बोले कौन। बंगाल कैप्चर कर लिया, अवध कैप्चर करने आ चुके हैं, मद्रास बॉम्बे उनके अंडर में आ चुका है, आर्मी बहुत स्ट्रांग होती जा रही है, अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अवध के नवाब जो थे उनके पास अपनी खुद की आर्मी थी ही नहीं। सब्सिडी अलायंस के बाद पूरी तरीके से जिसके साथ भी सब्सिडी अलायंस हो रहा है उसको अपनी आर्मी खत्म करनी पड़ती क्योंकि अलायंस में ट्रिटी में यही लिखा होता है। सो दोस्तों ये था तीसरा पार्ट। अब जैसे ही अवध के नवाब के साथ हुआ ऐसे बहुत सारे नवाबों के साथ, बहुत सारे राजाओं के साथ सब्सिडी अलायंस हुई। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल प्ले स्टोर ऐप का लिंक मिलेगा, डाउनलोड करिए, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी, फोर्थ पार्ट का वेट जरूर करिएगा क्योंकि इसमें बताया जाएगा कि जिस तरीके से अवध को निकाला गया तो उसके अंडर में जमींदार थे उनकी क्या हालत हुई और उसके बाद उनकी हालत भी खराब हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, दिस इज इट इन दिस वीडियो।